नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सोऽसौं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापिक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 172 गाथा का पहला बोल चल रहा था आलिंगन का, गुरुदेव श्री के प्रवचन में पेज नंबर 8। दो बात कल हुई थी, या तो केवल ज्ञान रूपी नगद रुपया और अखंड ज्ञाय की प्रतीति रूप प्रतिष्ठा नहीं है। दो बातें कि या तो उदाहरण दिया था ना कल कि किसको माल मिलता है, या तो जिसके पास नगद रुपया हो या उसकी क्रेडिट हो मार्केट में तो माल मिल जाता है, भिखारी को माल नहीं मिलता। तो उसी तरह जिसके पास में केवल ज्ञान रूपी नगद रुपया हो या तो, और या अखंड ज्ञाय की प्रतीति रूप प्रतिष्ठा अगर वो नहीं है तो उस जीव को भिखारी की भांति ज्ञेय का माल यथार्थ नहीं मिलता। मतलब वो वास्तव में जो चर्चा कल आई थी कि जिसको ज्ञेय के बारे में जो चर्चा आई थी, अपन ये समझते हैं कि अज्ञानी जानता है और ज्ञानी जानता है तो जानने जानने में क्या अंतर है। तो ये बात हो गई थी कि अज्ञानी ज्ञेय के जानने में, पहली बात तो उसको स्व का ज्ञान नहीं है, तो स्व का ज्ञान नहीं हुए होने पर को पर रूप से जानना नहीं हो सकता। एक बात, स्व का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए पर को पर रूप से जानना नहीं हो सकता। और वो जो जानता है उसमें भी स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता रूप विपरीतताएं उसमें पाई जाती है। वो बहुत सारा विवेचन है उसका। अभी इसमें पॉइंट वाइज गुरुदेव श्री फरमाते हैं, नंबर एक पॉइंट है कि अज्ञानी जीव इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं। यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि इंद्रियां जड़ इंद्रियों का आत्मा में अत्यंत अभाव है। ये जो 49 बोल में भी आया था, जड़ आत्मा, जड़ इंद्रियों का आत्मा में कौन सा अभाव? अत्यंत अभाव। और अत्यंत अभाव का मतलब क्या कि एक दूसरे में सर्वथा अभाव। अत्यंत अभाव का मतलब हो गया ना, अत्यंत कहो चाहे सर्वथा कहो, अत्यंत अभाव है माने सर्वथा अभाव है। अतः आत्मा को किंचित भी सहायता नहीं कर सकती। कौन? इंद्रियां किंचित भी सहायता नहीं कर सकती। और अज्ञानी क्या मानता है कि इनके बिना ज्ञान ही नहीं होता। यानी ये समझ लीजिए कि सर्वज्ञ परमात्मा की मान्यता से अथवा सर्वज्ञ परमात्मा के प्रतिपादन से अज्ञानी की मान्यता कितनी विपरीत है। और अगर विपरीत नहीं होवे तो उसे अज्ञानी कौन कहे? अज्ञानी इसलिए तो कहते हैं ना, जैसा सर्वज्ञ मानते हैं, जानते हैं और प्रतिपादन करते हैं वैसा उसके ज्ञान में सद्धान में नहीं आया है, इसीलिए तो वो अज्ञानी है। दूसरा कि इंद्रियों में ज्ञान स्वभाव का अभाव है, तो जिसमें ज्ञान स्वभाव ही नहीं है वे ज्ञान किस प्रकार करें, अर्थात करती ही नहीं। अतः ग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला ज्ञाता जिस प्रकार है उसे उसी प्रकार यथार्थ जानना चाहिए। मतलब आत्मा का जैसा स्वरूप है, ग्रहण करने वाला मैंने यहां पे ग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला अर्थात ज्ञाता, ज्ञाता कहो ग्रहण करने वाला कहो या ग्राहक कहो, इस पहले बोल में ये अर्थ है इसका, है ना। जिस प्रकार है वो उसे उसी प्रकार यथार्थ जानना चाहिए। यह ज्ञेय अधिकार है। कौन सा अधिकार चल रहा है वो भी ध्यान रखना कि स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञेय में कौन आएगा कि स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय तथा पर के द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक को भी
किसी एक को भी आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है ना। अपने द्रव्य गुण पर्याय को तो इंद्रियों से जानता ही नहीं है, लेकिन पर के द्रव्य गुण पर्याय को भी आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। परंतु अपने ज्ञान से जानता है, ऐसा निर्णय करे उसका ज्ञान सम्यक होता है। ये निर्णय आवे तो ज्ञान सम्यक, और नहीं तो कुछ नहीं। देखो, अज्ञानी वर्तमान पर्याय का ज्ञान संयोग से करता है। कैसे वर्तमान पर्याय का ज्ञान करता है? तो संयोग से करता है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि कैसे संयोग से करता है, तो उसका उदाहरण भी बहुत अच्छा देंगे वो, कि ज्ञायक स्वभाव का भान नहीं होने के कारण अज्ञानी भ्रांति का सेवन करता है। क्या कह रहा, क्या कहा? अज्ञानी को क्या नहीं है कि ज्ञायक स्वभाव का तो भान नहीं है, तो ज्ञायक स्वभाव का भान नहीं है तो भ्रांति का सेवन करता है। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि भ्रांति, उसको भ्रांति पाई जाती है ना, तो भ्रांति के कारण ज्ञान स्वभाव का भान, भ्रांति टले तो ज्ञान स्वभाव का भान हो, अथवा ज्ञान स्वभाव का भान हो तो भ्रांति टले, दोनों का एक ही समय है। भ्रांति का मिटना और ज्ञान स्वभाव का भान होना, या ज्ञान स्वभाव का भान होना और भ्रांति का टलना। तो भ्रांति का टलना यह कोई उपाय नहीं है, भ्रांति को टालना यह कोई उपाय नहीं है, ज्ञान स्वभाव का भान होना यह उपाय है। क्योंकि भ्रांति को टालने के पीछे नहीं भगना अपने को, अपने को किसके पीछे लगना? कि ज्ञान स्वभाव का भान करने के पीछे लगना। जब ज्ञान स्वभाव का भान हो जाएगा तो ज्ञान स्वभाव के भान में भ्रांति का तो अभाव अपने आप हो जाएगा। भ्रांति किसके लक्ष्य से टलेगी? अरे भ्रांति इसी का तो नाम है ना, कि ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव रूप नहीं मानते, उसको संयोग रूप मानते हैं, इंद्रियों रूप मानते हैं, इंद्रियों से ज्ञान करने वाला मानते हैं, इसी का नाम तो भ्रांति है। तो जैसा स्वरूप है वैसा जान लेवे, और मानता है कि हिस हाथ से लकड़ी ऊपर उठी, आंख से प्रत्यक्ष दिखाई दिया। तुम कैसे कहते हो? शब्द से ज्ञान हुआ, सांप तो दिख रहा है हमको, सांप तो दिख रहा है, शब्द से ज्ञान हुआ। दुकान पर मैं था तो रुपया आया, नहीं होता दुकान बंद रखता तो आ जाता क्या? ऐसा संयोग से देखता है, यह नहीं देखता कि वो रुपए के भी जितने परमाणु का क्रियावती शक्ति से आने का परिणमन है तो वो आते हैं। तेरे विकल्प से कुछ नहीं होता। ज्ञान शब्द से ज्ञान होता है, अगर ऐसा माने तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि अपन सबसे बड़ी बात लेवे तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कितने जीव सुनते हैं समोसरण में, तो सब वहीं से सम्यक दर्शन लेके निकलते हैं सबके सब जीव, हाँ? तो अज्ञानी होकर के भी निकलते हैं बहुत से जीव, तो समोसरण में भी जाकर के अपने अज्ञान को और पुष्ट कर लेते हैं। कोरे के कोरे रह गए, दूसरों की बात थोड़ी करनी है अपने को, अपनी बात है ना। तो ये तो अगर वाणी से ज्ञान होता तो भगवान से बढ़िया वाणी किसकी हो सकती है ना। ज्ञान जिन जीवों ने प्राप्त किया, ये निमित्त उपादान के दोहों में एक प्रश्न उठाया उसने, निमित्त वाले ने तर्क किया कि निमित्त से कुछ नहीं होता अगर तुम ऐसा कहते हो, तो फिर केवली और सुरत केवली के पादमूल में ही छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनागम का ये निमित्त, ये जो नियम है, इस नियम का क्या होगा? निमित्त से तो कुछ होता नहीं। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर भैया भगवती दास जी ने दिया कि केवली और श्रुत केवली के निकट भी वे ही जीव छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं जिनकी योग्यता पक जाती है। क्या केवली और श्रुत केवली के सानिध्य में गए हुए या उनके समोसरण में गए हुए प्रत्येक जीव को छायिक सम्यक्त हो जाता है क्या? तो केवली भगवान ने पक्षपात किया है, तो ये माने कि भाई इनको तो छायिक सम्यक्त दर्शन दे दिया, क्यों रिश्तेदार थे क्या केवली भगवान के? क्या, अरे उसने अपनी योग्यता से प्राप्त किया तो हो गया। हां ये बात जरूर है कि जिस जीव को छायिक सम्यक्त होता है वह जीव केवली और श्रुत केवली के पादमूल में दिखता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि केवली सुत केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन होता। तो केवली सुत केवली से थोड़ी हो गया वो, इसी तरह वाणी का, इसी तरह सबका संबंध है।
आ गया। अपने ज्ञान की पर्याय इंद्रियों से होती है, इस प्रकार मानने वाला जीव पर पदार्थों की पर्याय को भी संयोग से देखता है। क्यों देखता है? कि अपनी पर्याय को संयोग से देखता है। समझ आ गया? तो जिसे अपनी पर्याय को संयोग के बिना देखना नहीं आया, ज्ञान की पर्याय ज्ञान से होती है, और इसको दिखाई देता है कि आंख से सांप देखता हूं मैं। तो जिसको अपनी पर्याय को असंयोग रूप से देखना नहीं आया, तो वो पर जगत के पर पदार्थों की पर्याय को बिना संयोग के कैसे देखेगा, है ना? तो ये यहां पे कह रहे हैं कि वह आत्मा नहीं कहलाता। यहां तो सीधा कह दिया कि जो इस प्रकार अपनी पर पदार्थों की पर्याय को संयोग से देखता है वह आत्मा नहीं कहलाता। माने हम उस अज्ञानी को आत्मा कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे आत्मा का भान नहीं उसे तो हम अनात्मा कहते हैं। अज्ञानी जीव भले ही ये मानता हो कि मुझे ज्ञान इंद्रियों से होता है, परंतु वास्तव में तो उसे भी ज्ञान तो आत्मा से ही होता है। क्यों? कि अज्ञानी को यदि इंद्रियों से ज्ञान होने लगे तो फिर क्या होगा? तो फिर अज्ञानी का अज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञानी यही तो मानता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। और उसे सच में इंद्रियों से ज्ञान होने लगे तो फिर अज्ञानी कहां रहा? फिर तो ज्ञानी हो गया वो, आ गया। फिर तो जो ज्ञानी ये नहीं मानते कि इंद्रियों से ज्ञान होता है उनके अज्ञानीपने का प्रसंग आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अज्ञानी का मतलब ही यह है कि जैसा वो मान रहा है। अज्ञानी किसको कहते हैं? अज्ञानी के कोई सिंह पूछ नहीं होते। अज्ञानी कहते ही उसे है कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मान रहा, उसका नाम अज्ञानी। और जैसा है वैसा मान ले वे वो, तो अभी अज्ञानीपना मिट जाए उसका, इसी समय अज्ञानीपना मिट जाए। तो अज्ञानी के हिसाब से वस्तु नहीं चलती, वस्तु के हिसाब से अज्ञानी चलेगा तो अज्ञान मिटेगा। अज्ञानी अपने अनुसार वस्तु को बना करके अपना अज्ञान मिटा सके ऐसी व्यवस्था जगत में नहीं है। वस्तु की जैसी व्यवस्था है उस वस्तु की वैसी व्यवस्था को स्वीकार करके अज्ञान को मिटाया जा सकता है। हम वो प्रयत्न नहीं करते, और हम क्या करते हैं कि अपने अभिप्राय के अनुसार वस्तु को बनाने का या वस्तु को परिणमाने का या वस्तु के स्वरूप को बदलने का प्रयास करते हैं। आगे समझ में? परंतु वह उस प्रकार नहीं मानता, अतः उसको चैतन्य का अवलंबन नहीं है। अज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान क्या पहचान अज्ञानी की? कि उसको चैतन्य का अवलंबन नहीं है। अवलंबन वो पर का भी नहीं ले सकता, पर का अवलंबन मान करके विकार खड़ा करता है। अवलंबन तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर का अवलंबन किसी को नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप में ही व्यवस्था नहीं है, वो पर के अवलंबन की व्यवस्था ही नहीं है। परावलंबन मानता है, परावलंबन होता नहीं है। अगर परावलंबन हो जाए तो अज्ञानी तो पर का अवलंबन मानता ही है, और सच में उसको पर का अवलंबन हो जाए तो अज्ञानी नहीं रहे। होता नहीं है और वो मानता है, तो इसलिए क्या होता है कि पर का अवलंबन तो होता ही नहीं, और पर का अवलंबन मानता है इसलिए चैतन्य का अवलंबन भी नहीं होता। तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट वाली स्थिति हो जाती है कि न उधर का रहा न इधर का रहा, न भगवान आत्मा का अवलंबन हो पाया और पर का अवलंबन करने के विकल्प में अनंत जन्म गंवा दिए, लेकिन अनादि काल से लेकर आज तक किसी ज्ञानी और अज्ञानी को पर का अवलंबन नहीं हुआ। परावलंबन मान करके विकार किया, और इसलिए बोला जाता है शास्त्र की भाषा में कि परावलंबन से विकार होता है। तो परावलंबन से माने पर का अवलंबन मानने से, पर का अवलंबन होने से नहीं, मानने से विकार होता है। पर का अवलंबन होता नहीं है किसी को, ये कह रहे हैं। देखो यहां पे, इस प्रकार जो जीव स्व की पर्याय को स्वतंत्र नहीं मानता है, अपनी पर्याय को स्वतंत्र नहीं मानता है, उसे पर पदार्थ की पर्याय स्वतंत्र देखने की शक्ति विकसित नहीं होती। जिसे अपने घर की रोटी बनाना नहीं आवे लोक में,
है ना, तो अपने घर की रोटी बनाना नहीं आवे और अपन कहें कि 100 आदमियों की रोटी बनानी है साहब, कहे वो व्यवस्था मेरे जिम्मे, तो तूने अपने घर की बनाई है कभी? तो अपने घर की नहीं बनाई और दुनिया की बनाएगा, है ना। अपनी पर्याय को स्वतंत्र देखना नहीं आया कि तेरे को दुनिया की पर्याय को स्वतंत्र देखने की शक्ति तेरे में नहीं आएगी। बहुत गजब की व्यवस्था है। अज्ञानी उल्टी मान्यता करे तो भी वस्तु का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परिवर्तित हो जाए तो अज्ञानी कैसे रहेगा फिर? वो मानता है परिवर्तित नहीं होता, परंतु वह अपनी मान्यता में दोष उत्पन्न करके दुखी होता है। देखो वस्तु, देखो अज्ञानी पर वस्तु में कुछ नहीं कर सकता, पर वस्तु को अपने अपनी इच्छा अनुसार या अपने अभिप्राय के अनुसार बना नहीं सकता। तो करता क्या है कि पर वस्तु को अपने अभिप्राय के अनुसार बनाने की उल्टी मान्यता से दोष उत्पन्न करके दुखी होता है, और दुख का कोई दूसरा उपाय नहीं है। खुद की विपरीत मान्यता से जीव दुखी है। कौन जगत में कौन दुखी करने वाला है? सम्य दृष्टि को कौन दुखी करे? सम्य दृष्टि को सारा जगत प्रतिकूल हो जाए, है ना, कौन दुखी करे उनको? और अज्ञानी को सारा जगत अनुकूल हो जाए तो भी उसे कौन सुखी कर सकता है? सुखी माने अतीन्द्रिय सुख, हो ही नहीं सकता। वर्तमान पर्याय का यथार्थ ज्ञान किया, ये कब कहलाएगा? ये प्रश्न। वर्तमान पर्याय का यथार्थ ज्ञान, देखो द्रव्य की बात नहीं कर रहे अभी, वर्तमान पर्याय का यथार्थ ज्ञान ये कब कहलाएगा कि ये हमने वर्तमान पर्याय का ज्ञान किया? बहुत अच्छा इसमें न्याय दिया है कि स्व पर, स्व तथा पर पदार्थों की वर्तमान अवस्था का सच्चा ज्ञान किया, यह कब कहलाएगा? कि जब उस पदार्थ का स्वभाव जाने, जिस पदार्थ की वो पर्याय है ना, तो उस पदार्थ का स्वभाव जाने, तो जो जीव अपना ज्ञान अपने ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से होता है परंतु इंद्रियों से तथा पर पदार्थों के अवलंबन से नहीं होता, ऐसा मानता है वह जीव पर पदार्थों की पर्याय को भी उनके द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुई मानता है। सीधी सी बात कि अगर तू अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न हुई मानता है तो पर द्रव्य की पर्याय को भी उसके द्रव्य से उत्पन्न हुई मानेगा, और अगर यह मानता है कि मेरी पर्याय परावलंबन से उत्पन्न होती है, मैंने मेरी पर्याय पर से उत्पन्न होती है, मेरा ज्ञान इंद्रियों में से आता है, मेरा ज्ञान गेयों में से आता है, तो जिसने अपनी एक भी पर्याय को पराधीन माना, यानी अपनी एक भी पर्याय को अपने द्रव्य के बदले किसी संयोग से उत्पन्न होना माना, तो जगत में ऐसी कौन सी पर्याय है जिसको वो संयोग से नहीं मानेगा? तो वो तो मानेगा, क्योंकि जैसे मेरी पर्याय संयोग में से आती है उसी तरह सामने वाले पदार्थों की पर्याय भी संयोग में से आती है। क्या मतलब? चक्कू से सब्जी कटी। अब यहां विचार करो कि सब्जी के टुकड़े रूप परिणमन का होना, वो सब्जी में से आया है या चाकू में से आया है? किस में से आया? वो सब्जी में से आया। और चाकू का ऐसे 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 गति करने रूप जो परिणमन हुआ, तो वो सब्जी में से आया है या चाकू में से आया है? वो चाकू में से आया है। चाकू का परिणमन चाकू में से आया है, सब्जी का परिणमन सब्जी में से आया है, टुकड़े होने रूप परिणमन। और अज्ञानी संयोग देखता है तो अज्ञानी को लगता है कि चाकू में से सब्जी के टुकड़े हुए हैं। आया? इस तरह विचार करो। देखो एक एक बहुत मार्मिक बिंदु है। जब वहीं श्री को 15 साल की उम्र में पहली बार गुरुदेव श्री का उन्होंने प्रवचन सुना था, श्वेतांबर संप्रदाय में थे उस समय, तो वो तो क्या उनको संप्रदाय संप्रदाय का कुछ नहीं था, लेकिन पहली बार जब प्रवचन सुना और गुरुदेव तो भेद ज्ञान की ऐसी गर्जना करते थे उस समय भी, पर द्रव्य कर्म से विकार होता है,
ये बात तीन काल में सत्य नहीं। तो वो जो भेद ज्ञान का विचार उनको माथे में ऐसा घूमा कि वो जब घर का मतलब घर का समझ लो कचरा निकाल रही हो तो उस समय विचार क्या करती थी कि हाथ की क्रिया हाथ में हो रही है, झाड़ू की क्रिया झाड़ू में हो रही है, कचरा यहां से यहां की क्रिया कचरे के कारण से हो रही है, कपड़े धोती हो तब कपड़े में कपड़े की क्रिया, हाथ में हाथ की क्रिया, डंडे में डंडे की क्रिया, जल में जल की क्रिया, इस तरह एक 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 का भेद ज्ञान के द्वारा विचार चलता था। भेद ज्ञान का यह विचार मिथ्यात्व के गलने में कारण बना, समझ में आ गया। कल्पना नहीं कर सकते, आज तो तत्व ज्ञान का इतना जबरदस्त स्पष्टीकरण अपन लोगों के सामने है, गुरुदेव श्री का भी, उस जमाने में थोड़ी उतना स्पष्टीकरण उतना स्पष्ट रूप से आया था, शुरुआत थी, लोग समझते ही नहीं थे द्रव्यगुण पर्याय क्या है, द्रव्यगुण पर्याय की पर्याय का स्वरूप नहीं समझते थे, समझ आ गया ना। तो ये जो भेद ज्ञान के विचार थे, ये भेद ज्ञान के विचार मिथ्यात्व के गलने में कारण बन गए। विचार करें एक एक चीज जो भी हो रहा है सबका, एक एक द्रव्य का परिणमन, एक एक द्रव्य की पर्याय उस द्रव्य के प्रवाह क्रम में से आ रही है, उस द्रव्य के परिणमन स्वभाव में से आ रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को पर्याय नहीं देता, परंतु अन्य के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुई नहीं मानता है। इस प्रकार मानकर ऐसा निर्णय करता है कि मोटर चलने के काल में, वो जो जितने बिंदु उठाए थे ना उनने उसका समाधान कर रहे हैं कि मोटर चलने के काल में अपने कारण से चलती है और रुकने के काल में अपने कारण से रुकती है। नक्की करो, पेट्रोल के साथ मोटर का संबंध नहीं है, कौन सा अभाव है मोटर और पेट्रोल में, कौन सा अभाव है, अच्छा बताओ, अन्योन्य भाव है, क्योंकि वो पेट्रोल है वो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, मोटर है वो दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना। ये जो आधारभूत सिद्धांत अपन लोग पढ़ते हैं, छह अभाव का सिद्धांत हो, चार अभाव का, षट कारक का सिद्धांत हो, छह सामान्य गुणों के सिद्धांत हो, ये जो पढ़ते हैं तो इनका प्रयोग इस समय करना चाहिए ना। एक एक परमाणु में अस्तित्व अस्तित्व आदि सामान्य गुण हैं, एक एक पर्याय, एक एक परमाणु में कर्ता कर्म आदि षट कारक हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया। चार अभाव में से जो अभाव की व्यवस्था घटित होती हो, एक एक परमाणु में अत्यंता भाव, दो परमाणुओं की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव, पूर्व पर्याय और भविष्य काल की पर्यायों में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, कौन करे। अरे एक पर्याय अपनी दूसरी पर्याय को नहीं करती, परद्रव्य की बात तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय, अपनी ही पूर्व काल की पर्याय अपनी ही भविष्य काल की पर्याय का कारण नहीं बनती, प्राग भाव है, क्या करेंगे उसमें। लकड़ी अपने कारण ऊंची नीची होती है, जीव से नहीं होती, विद्यार्थी के पढ़ने की पर्याय विद्यार्थी के कारण है, शिक्षक के कारण नहीं। अगर शिक्षक के कारण हो तो सारे विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आए, उसी शिक्षक ने पढ़ाया था, और एक कक्षा में 35-50 विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आता है, एक मेरिट में आता है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं, शिक्षक ने तो बराबर पढ़ाया था, किताबें भी बराबर थी सबके पास, वही किताबें थी, वही शिक्षक था, वही कक्षा थी, वही स्कूल था, क्या हुआ कि शिक्षक कितना भी ज्ञान बिखेरे ग्रहण तो उतना ही करेंगे ना जितनी खुद की योग्यता होगी। भाई समुद्र में पानी बह रहा है लेकिन हमारे पास कितना पानी आएगा कि जितना हमारा पात्र होगा। अगर हमारे पास लोटा है तो लोटा भर पानी, हमारे पास ग्लास है तो ग्लास भर पानी, हमारे पास कटोरा है तो कटोरा भर पानी, हमारे पास टैंकर है तो टैंकर भर के पानी, हमारी पात्रता के अनुसार आएगा ना, उसी तरह हमारी योग्यता के अनुसार ज्ञान होगा, किसी के कारण से नहीं। गुरुदेव श्री का उदाहरण अपन लेवे तो कितने लोगों ने गुरुदेव का प्रवचन सोनगढ़ में सुना होगा, बोलो कितने लोगों ने, है ना, बहुत से विद्वान गए सुना
और सुनकर के परम भगत बन गए। बहुत से लोग ऐसे रहे कि वहां तो हां भरते थे, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो कहते हो ऐसा ही है, और वहां से निकले और फिर कहते थे अरे भैया एकांत है एकांत, अगर वाणी के कारण से होता हो तो। सोचो जरा, जिनको समझ में आती है एक बार में समझ में आ जाती है, नहीं समझ में आती है भगवान समझावे तो समझ में नहीं आती। नहीं समझाया, आदिन आपने अपने पोते को समझाया तीर्थंकर होने वाला है, नहीं समझ में आई, और जो समझ में आने की योग्यता थी तो शेर की पर्याय में और मुनिराज की वाणी सुनकर के समझ में आ गई। शेर की पर्याय में मनुष्य की वाणी, शेर समझता है मनुष्य की वाणी, तू तीर्थंकर होने वाला है, वो समझता है तीर्थंकर क्या होते, बाल बोध पाठमाला पढ़ी होगी उस शेर ने कि तीर्थंकर की परिभाषा आती होगी उसको। देखो योग्यता है जीव की, संसार अल्प रह जाए, संसार के परिभ्रमण का किनारा आ जाए तो यह बात समझ में आ जाती है, और अनंत संसार बाकी हो तो सारे जितने विदेश, अभी भरत क्षेत्र में तो तीर्थंकर नहीं है लेकिन विदेश क्षेत्र में तो बेस 20 तीर्थंकर हैं, शाश्वत 20 तीर्थंकर तो हैं ही, और उसके अलावा कितने केवली भगवान होंगे अपन सोच नहीं सकते, लाखों केवली होते कि नहीं होते, एक तीर्थंकर के समो शरण में भी केवली होते हो गया, वो सारे मिलकर के समझावे कि भैया समझ ले, भैया समझ ले, भैया समझ ले, नहीं भैया को अभी संसार में भटकना है तो समझेगा कैसे। सैकड़ों उदाहरण हैं, जिन राजा सैनिक ने जिन यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, थोड़ी देर थोड़े भाई दो तीन दिन पहले की तो बात थी, तीन दिन बाद तो रानी चेलना को बताया उनने, तो तीन दिन पहले जिन मुनिराज के प्रति क्रोध का परिणाम करके शिकारी कुत्ते छोड़े पहले, तो अब शिकारी कुत्ते मतलब उन कुत्तों को तो इतना समझ में आ गया कि ये मुनिराज कितने वीतराग और प्रशांत हैं, और वो तो उनकी वीतरागता से प्रभावित होकर के शांत होकर के बैठ गए, और राजा सैनिक को समझ में नहीं आया। सात वालों ने समझाया भी कि देखो ये भी बहुत बड़े संत हैं, अरे काय के संत हैं, कि देखो ये सब इन्होंने मंत्र कर दिया और मरा हुआ सर्प डाल दिया देखना, और तीन दिन बाद वही सैनिक उन्हीं मुनिराज के निकट अपने उस उपसर्ग के परिणाम का पश्चाताप करके मुनिराज की देशना सुनकर वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। बोलो वहीं बाद में भगवान महावीर के समोसरण में छाइक सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन पहला सम्यक दर्शन मुनिराज यशोधर के सानिध्य में राजा सैनिक को हुआ। तो क्या हुआ कि तीन दिन पहले वही मुनिराज और तीन दिन बाद भी वही मुनिराज, तीन दिन पहले उन्हीं मुनिराज को देख करके क्रोध का परिणाम आता है और तीन दिन बाद उन्हीं मुनिराज को देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। अगर मुनिराज से क्रोध होता हो मुनिराज की वजह से और मुनिराज की वजह से सम्यक दर्शन होता हो तो तीन दिन पहले सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, अथवा तीन दिन बाद क्रोध क्यों नहीं आया। सोचो जरा, मैंने पुराणों के उदाहरण तो पढ़ो कि पुराणों के उदाहरण क्या बताते हैं, निमित्त है ना, निमित्त की बात करते हो ना, तो मुनिराज तो तीन दिन पहले भी निमित्त ही थे, उपादान तो तीन दिन पहले भी नहीं थे, और आज तीन दिन के बाद भी वे मुनिराज निमित्त हैं। देखो राजा सैनिक ने क्रोध में निमित्त बनाया मुनिराज को, मुनिराज क्रोध में निमित्त नहीं होते, सामान्य नियम यह है तो मुनिराज क्रोध में निमित्त नहीं होते, लेकिन श्रेणी के अभाग्य की महिमा क्या, उसने उन मुनिराज को क्रोध में निमित्त बना लिया, जो वीतरागता के निमित्त होते उन्हें क्रोध में निमित्त बना करके सातवें नरक के द्वार खोल लिए अपने लिए, और तीन दिन बाद उसी को, क्योंकि अनंत संसार में भटकना नहीं था, वो तो नक्की पहले से था, जिस दिन उसको सातवें नरक की आयु बंधी उस दिन से ये नक्की था कि नहीं था, उसके पहले से भी नक्की था कि नहीं था कि इनकी आयु कम होगी और इनके बाद पहले नरक में जाएंगे
वहां से निकल करके आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होंगे। पहले से नक्की था कि नहीं था? विचार करो अभी क्या है निमित्त, है क्या चीज, आरोप आता है खाली। समय दर्शन प्राप्त किया तो वही मुनिराज समय दर्शन में निमित्त कहलाए, आ गया ऐसा ऐसा है। तो देखो वे पर्यायें अपने अपने द्रव्य के आश्रय से होती है, पर्याय पर्यायवान की है। किसकी है? पर्यायवान। द्रव्य कौन है? कि द्रव्य पर्यायवान है और पर्याय उस पर्यायवान की है, वह अन्य के कारण नहीं है। अब देखो बहुत गजब का पॉइंट लिया है, निगोद से लेकर, कहां से लिया? निगोद से लेकर सभी जीव अपने आत्मा से जानते हैं परंतु इंद्रियों से नहीं जानते। कौन से जीव लिया इनमें? सभी जीवों में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? जिन जिन को भी भाई अरंत और सिद्ध की तो कोई समस्या ही नहीं, उसको तो सभी स्वीकार करेंगे, लेकिन जिनको संयोग में इंद्रियां पाई जाती है शरीर के रूप में, ऐसे निगोद से लेकर सभी जीव जिनको संयोग में शरीर के रूप में द्रव्य इंद्रियों का संयोग है, कि वे जीव भी अपने आत्मा से जानते हैं। मैंने जानने रूप जो परिणमन हुआ, जानने रूप जो पर्याय हुई, वो पर्यायी आत्मा से हुई है। उस जानने रूप पर्याय का पर्यायवान कौन है ये नक्की कर लो। इस पर्याय का पर्यायवान कौन? इस पर्याय का पर्यायवान भगवान आत्मा है, इस पर्याय का पर्यायवान इंद्रियां नहीं है। आ गया? परंतु इंद्रियों से नहीं जानते। एक इंद्री, द्वि इंद्री, त्रि इंद्री जीवों के आंखें नहीं है, अतः वे देख नहीं सकते, और चतुर इंद्री और पंचेंद्री जीवों के आंखें हैं, अतः वह देख सकते हैं। यह बात कैसी है? सच्ची है? कहते मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान के विकास की योग्यता उस प्रकार की है। हम क्या देखते हैं? हम संयोग से, देखो आंखें नहीं है इसलिए नहीं देख सकते ना। ज्ञान के विकास की योग्यता को क्यों नहीं देखते? अरे कर्म की ओर से भी ले लो, चलो कि कर्म की ओर से भी लो, तो उनके नाम कर्म में कौन सी इंद्रिय नाम कर्म का उदय है? तीन इंद्री, दो इंद्री, संयोग में भी उनको इंद्रियां नहीं है, और ज्ञान के विकास में भी उनको उतना ही ज्ञान का विकास है। तो अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि देखो आंख होती तो देख लेते बेचारे, आंख नहीं इसलिए नहीं देखते। ये भ्रम देखो पंडित जी ने लिखा ना टोडरमल जी साहब ने, कि ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, ये जीव को भ्रम होने में सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब क्या? कि इधर कार्य होता है और उसी काल में उस कार्य के योग्य उचित निमित्त भी होता है। समय एक है, समय एक होने से अज्ञानी को यह भ्रम हो जाता है कि इससे यह हुआ, और ज्ञानी क्या मानता है कि इस काल में यह कार्य हुआ, इस काल में इस पदार्थ का निमित्त बना था। ज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध का यथार्थ ज्ञान करते हैं, और अज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध के बहाने निमित्त से हुआ इस तरह अपनी विपरीत मान्यता को पोषित करते हैं। इसलिए पंडित जी ने लिखा कि शरीर और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए इसको भेद ज्ञान हो नहीं सकता, और भेद ज्ञान होने का कारणभूत जो विचार है वो मिथ्या दर्शन का इतना जबरदस्त जोर पड़ा हुआ है। मिथ्या दर्शन माने दर्शन मोहनी कर्म नहीं, खुद की उल्टी मान्यता इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है तो वो विचार ही नहीं करता। ये बात अपने मंदिर में तो चल रही है, क्या क्या अभी जो चल रही है ना, अभी जितनी बात चल रही है अपने मंदिर में तो चल रही है, बिजोलिया के ही किसी दूसरे मंदिर में चला के देख लो ये बात, और सुना के देख लो उनको, औरों की जाने दो, समझ में आ गया? और अपने मंदिर में चल रही है उसमें भी कितने लोग सुन रहे हैं, समझने वाले हैं,
सोचने की बात है, हाथ खड़े करने वाले वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस बात को सुनने वाले कितने लोग हैं और सुन करके समझ करके अंदर से हां करने वाले। अभी हाथ खड़े करा तो पता लग जाएगा। ये तो इसलिए देखो, ये हमेशा एक सिद्धांत है कि सत्य का स्वीकार करने वाले जगत में हमेशा कम होंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब 6 महीने 8 समय में 608 को ही जाना है। मैं कई बार बोलता हूं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे और 6 महीने 8 समय में त्रस राशि में से निगोद जाने वाले जीव कितने होंगे, बोलो, विचार करो जरा। क्योंकि देखो भैया, अगर इस सत्य तत्व का पक्ष भी नहीं आया, सोच लेना जरा, तो भगवान भी नहीं बचा सकता त्रस पर्याय की स्थिति पूरी होने पर। इसलिए किसी की ओर देखे बिना अपने को अपना काम कर लेना चाहिए। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या मानती है, दुनिया में ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। गुरुदेव श्री एक बात बोलते थे कि दिगंबर संतों को किसी की पड़ी नहीं है, नागा बादशाह थी आघा, ये शब्द बोलते थे, किसी की पड़ी नहीं है कि ये बात हम कहेंगे तो दुनिया इसे स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, कि करे तो ठीक, नहीं करे तो हमारा क्या बिगड़ा, नहीं क्या फर्क पड़ता है उसमें, ऐसा कह रहे हैं। देखो अभी जैनियों की संख्या इतनी कम हो गई, तो जैनियों की संख्या विश्व में कम हो गई, मान लो अभी तो गिनती पे उंगली पे गिनने लायक जैन रह गए, तो उससे क्या हुआ, जैन धर्म की सत्यता में कोई फर्क पड़ गया, दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ गई तो वे सत्य हो गए। हीरे की दुकान एक होती है और कोयले की दुकान गांव गांव में बहुत होती है, किसी गांव में तो हीरे की दुकान नहीं भी हो, बड़े बड़े शहरों में तो कीमत किसकी, उस कोयलों की या उन हीरों की, सत्य की कीमत है। जैन दर्शन वीतरागी परमात्मा का कहा हुआ और इन दिगंबर संतों का लिखा हुआ, कीमत इसकी है भैया। ये देखो कह रहे हैं, ज्ञान का उघाड़ पर के आश्रय से नहीं है, इसी प्रकार वह पर में से नहीं आता है, वह ज्ञान की पर्याय पर्यायवान द्रव्य में से आती है। बस ये नक्की कर लो अभी सम्यक दर्शन के लिए कि सम्यक दर्शन कहां से आएगा, कि सम्यक दर्शन पर्यायवान द्रव्य में से आएगा, देवशास्त्र गुरु में से आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो परद्रव्य है। दर्शन मोनी कर्म के छोपसम अथवा उपसम में से आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो परद्रव्य है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, कहां से आएगी, तो आत्मा में, केवल ज्ञान की पर्याय वो पर्याय है, आत्मा पर्यायवान है, पर्यायवान में से पर्याय आएगी, पर में से नहीं आएगी तो पर्यायवान में से पर्याय आएगी, नहीं तो वास्तव में पर्याय अपने सत्कारक से आएगी, ठीक। लेकिन अभी इतना रखो, काय कहां में से, काय में से नहीं आएगी कि चौथे काल में से नहीं आएगी, चौथे काल में से आएगा केवल ज्ञान, अरे साहब चौथा काल होता तो, मैंने कहा चौथा काल होता तो कौन सा कमाल कर लेते, चौथे काल में नहीं थे अपन लोग, बोलो चौथे काल में अपन लोग नहीं थे, अरे साहब अभी तो भरत क्षेत्र में आ गए, अगर विदेश क्षेत्र में होते तो, मैंने कहा अच्छा विदेश क्षेत्र में अपन नहीं थे, अरे आकाश का कोई ऐसा क्षेत्र तो बताओ जहां पे जन्मे मरे नहीं हो अनंत बार, कोई क्षेत्र बताओ आकाश का कि यहां हम जन्मे मरे नहीं है, अपने जन्म मरण की कहानी को तो देखो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा काल है जहां जन्मे मरे नहीं हो, चौथे काल में से सम्यक दर्शन, चौथे काल में से केवल ज्ञान नहीं आएगा। व्रज सम नारा शयनन हो तो वो पुद्गल की हड्डियों की मजबूती है, उसमें से नहीं आता, हाँ जिनको आता है उनको हड्डियों की मजबूती होती है, वो बात बराबर है, लेकिन वो हड्डियों की मजबूती में से नहीं आता, चौथे काल में से नहीं आता, किसी में से नहीं आता, स्वभाव में से आता है। क्या आत्मा किसी भी समय, गजब की बात, अपने जानने देखने के स्वभाव से रहित है, ये बताओ किस समय जानना देखना नहीं हो रहा, अरे नींद में भी जानते देखते हैं, सपने आते हैं कि नहीं आते हैं, और अपन क्या बोलते हैं, आज तो भैया नींद में हमने ये सपना देखा, तो बोलो उस समय हमारा ज्ञान, हम मैंने सो रहे थे, बाहर में देखा जाए तो सो रहे थे और उसी समय ज्ञान का व्यापार चल रहा था कि नहीं चल रहा था,
नक्की करो। अब वहां कौन सा ज्ञेय पदार्थ है, सपने में क्या क्या देखते हैं अपन लोग, क्या क्या देखते हैं बताओ। तो वह इंद्रिया, वहां आंख खुली थी, हम कहते हैं आंख से दिखता है, तो सपने में आंख खोल के सो रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ सपनों में, आंख से दिखा। अरे सपने में क्या हुआ, बहुत बढ़िया फूलों के बगीचे में अपन लोग गए और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी, नाक चालू था वहां पे नाक का व्यापार, जरा विचार तो करो, बहुत शानदार म्यूजिक चल रहा था सपने में, हमने बहुत बढ़िया म्यूजिक सुना या किसी का प्रवचन सुना, कान का व्यापार चालू था। क्या है ये, कि ये सब ज्ञान का परिणमन है। और अपन सुबह उठ के बोलते कि नहीं बोलते, आज ऐसा देखा, आज ऐसा देखा, मतलब क्या कि उस समय वो ज्ञान पर्याय हुई थी, उसको वर्तमान ज्ञान पर्याय जान रही है, कहां है, जरा सा विचार करे, खाली स्वभाव से रहित है वह, इंद्रियों के द्वारा जाने, प्रश्नवाचक किया, इंद्रियों के द्वारा जाने, तेरा ज्ञान दर्शन का स्वभाव कब बंद हुआ, कभी नहीं, निगोद में भी अपना स्वभाव विद्यमान है। गजब प्रसन्न होने की बात है कि निगोद में भी अपना स्वभाव कुछ बिगड़ा नहीं था, अगर निगोद में अपना स्वभाव बिगड़ गया होता तो अभी अपन यहां पर सुधरे हुए नहीं बैठे होते, अपने स्वभाव का घात अगर निगोद ने कर दिया होता, मिट गया होता अपना स्वभाव निगोद में, तो अभी कैसे बैठे हैं अपन लोग, क्योंकि आए तो सब निगोद से ही है, जाने की बात नहीं करते अपन लोग, लेकिन आने की बात तो पक्की है ना, कि आए तो निगोद से है सब भैया। तो ये सोचो जरा कि निगोद में भी कुछ नहीं बिगड़ा, कितना ही आवरण आ गया, कितना ही विकार हुआ, इससे ज्यादा विकार की और आवरण की दशा हो नहीं सकती जितनी निगोद की है, और फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कैसा वज्र तत्व है, जरा विचार तो करना चाहिए ना। वहां भी स्वयं से जानता है, इस प्रकार पर्याय पर्यायवान की है, इतना नक्की कर लो बस, पर्याय पर्यायवान की है, ऐसा निर्णय करे, बात नहीं खाली, निर्णय करे, तो वर्तमान पर्याय का सच्चा ज्ञान किया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान पर्याय पर्यायवान की है, ऐसा निर्णय करे तो पर्याय का ज्ञान सच्चा कहलाता है। और अगर पर्याय ज्ञेय से आती है, पर्याय संयोग से आती है, पर्याय निमित्त से आती है ना, कोई पर्याय चौथे काल में से आती है, कोई पर्याय व्रज सम नाराज सहनन में से आती है, कोई पर्याय केवली की दिव्य ध्वनि में से आती है, कोई पर्याय शास्त्र में से आती है, कोई किस में से आती है, ऐसा माने तो उसे पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, द्रव्य का ज्ञान होने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये बात हुई। अब कल ये प्रश्न आएगा कि आप कहते हो कि इंद्रिय के बिना ज्ञान होता है, किंतु शास्त्र में उल्लेख है कि इंद्रिय और मन के अवलंबन से मति और श्रुत ज्ञान होते हैं, तो वह अप्रमाण हो जाएगा। यह प्रश्न है, इसका बहुत मार्मिक उत्तर गुरुदेव श्री ने दिया है, पढ़ेंगे अपन उसको।